दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है कभी कभी ऑरेंज पॉपसिकल अनुभव की फैंटेसी है। अनुराग कश्यप टेक्स अ पॉट शॉट एट द होम मिनिस्टर एट द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म थप्पड़। और थप्पड़ की स्क्रीनिंग में कई सारे सेलिब्रिटीज ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द कास्ट ऑफ द फिल्म वर प्रेजेंट। और जब मीडिया इंटरेक्शन के दौरान अनुराग कश्यप हैड टू स्पीक, ही टुक अ डायरेक्ट पॉट शॉट एट द होम मिनिस्टर एंड सेड कि इंडिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर अमित शाह द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री अपोलोजाइजेस टू द पब्लिक। ऑफकोर्स ही वॉज हिंटिंग एट हाउ द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होम मिनिस्टर एंड राइट नाउ वॉट इज हैपनिंग इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स हैज बीन द वर्स्ट इंडिया हैज सीन इन रीसेंट टाइम्स। और इफ वी ऑल्सो सी ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट, अनुराग कश्यप बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड ही इज़ रियली रियली वोकल एंड अगेंस्ट वॉट इज गोइंग ऑन एट द मोमेंट। ही इज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन हिज ट्वीट्स और वो ओपनली बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से ट्वीट करते हैं। और अगर दिन में देखें तो 20 से 30 ट्वीट्स तो उनके होते ही। इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव एंड वोकल पर्सन फ्रॉम बॉलीवुड व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। और इंटरव्यूज में और इंटरेक्शंस में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधा सीधा कहा विदाउट रनिंग अराउंड द बुश दैट इफ द होम मिनिस्टर अपोलोजाइजेस हाउ द इश्यूज विल बी सॉल्व्ड। दुनिया में आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमारे होम मिनिस्टर सॉरी बोलते तो कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अगर फिल्म थप्पड़ की बात करें तो स्क्रीनिंग पर जब कास्ट ने इंटरेक्ट किया मीडिया के साथ, दिया मिर्जा ने कहा कि कैसे कास्ट के लिए भी एक रियलाइजेशन था जब उन्होंने वो फिल्म किया, क्योंकि थप्पड़ को नॉर्मली बहुत लाइटली लिया जाता है, हर घर में हर दूसरे घर में ये होता है बट पीपल डोंट रिपोर्ट इट, कुछ लोग सह लेते हैं एंड दैट इज़ वाई दिस फिल्म ब्रिंग्स अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और वहीं पर अनुराग कश्यप ने भी कहा दैट अनुभव सिन्हा की ये फिल्म उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट है। He also spoke about कि कैसे हमारे देश में सोसाइटी में पेट्रियार्की है इतने सालों से और कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है एक छोटा सा बदलाव शायद लोगों के माइंडसेट पर लेकर आएगी। और क्या कुछ कहा, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। मैंने फिल्म बहुत पहले देखी थी जी, और ये फिल्म मैंने पहली बार दिसंबर में देखी थी। और कई बार होता है ना, आप अपने आप को समझते हो कि आप बहुत ही, आप बाकी जैसे नहीं हो जी, आप जो है काफ़ी लिबरल हो, आप जो है ऐसे हो वैसे हो, आप जो है बहुत खुले दिमाग हो, आप जो है इक्वालिटी ना सिर्फ बिलीव करते हो प्रैक्टिस करते हो, आप कुछ भी हो जाओ, ये फिल्म ना आपको एंटाइटल फील करती है। आपको दिखता है सुनो, उस फिल्म को देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कुछ भी हो मैं अभी भी एंटाइटल। ये फिल्म देखने के बाद मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म इसलिए नहीं है कि औरतें, ये फिल्म आदमियों के लिए भी उतनी है कि देखने के लिए कि तुम कुछ भी समझ लो अपने आप को, तुम्हारे अंदर की जो पेट्रियार्की है ना उसका इतना अंश तो है तुम्हारे अंदर, लेकिन वो तो कितना गहरा है ना, मतलब कितना ज्यादा, मतलब मुझे लगता है उसको तो खोदते खोदते सदियां बीत जाने वाली है। वो खोदते रहना जरूरी है जी, खोदते रहना जरूरी है, वो खोदते रहना लगातार जरूरी है। और